रिंदगी के दानवों से बेटियों को बचाने के लिए राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लिया। यूपी और बिहार में बेटियों के साथ हुई दरिंदगी के बाद सरकार ने सभी शेल्टर होम और चाइल्ड होम का सर्वे कराने का फैसला लिया है। यूपी और बिहार के बालिका गृह में हुई दरिंदगी के बाद राजस्थान सरकार बेटियों की हिफाजत को लेकर सतर्क हो गई है। सरकार अब सूबे के शेल्टर होम्स और चाइल्ड होम्स का सर्वे करवाएगी, जिसके लिए स्टेट लेवल की टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो सीधे बच्चों से बातचीत करेगी कि शेल्टर होम्स और चाइल्ड होम्स में रहने वाले बच्चे किसी तरह की कोई परेशानी से गुजर तो नहीं रहे। सर्वे में टास्क फोर्स की टीम स्थानीय पुलिस की मदद लेगी। टास्क फोर्स की टीम 30 अगस्त तक सर्वे कर राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंप देगी। दो तीन महीने की एक स्टेट लेवल का हमने टास्क फोर्स बनाई है, जो टास्क फोर्स इन सारे इश्यूज को लगातार रिव्यू करने काम करेगी। 30 तारीख तक नीचे के चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज और हमारे स्टेट डायरेक्टर इनको एक कमेटी बना करके इनको कहा है कि अपनी रिपोर्ट प्रत्येक शेल्टर होम और चाइल्ड होम का इंस्पेक्शन करके वो रिपोर्ट यहाँ सबमिट करेंगे। सर्वे से पहले बाल अधिकारिता विभाग ने सभी जिला कलेक्टर्स को पत्र लिखकर जांच के आदेश दिए हैं। जिला कलेक्टर्स इन संस्थाओं की जांच में जुटे हैं, लेकिन जयपुर को छोड़कर बाकी जिलों में जिला कलेक्टर्स की लापरवाही भी सामने आई है। राजस्थान में करीब 100 शेल्टर होम संचालित हैं, जिनमें जयपुर में भी 40 शेल्टर होम चल रहे। सर्वे के मुताबिक संस्थाओं के अंदर की हकीकत सामने आ सकेगी, साथ ही शिकायत मिलने के बाद संस्था के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।